सो गाइस न्यूज बॉय तो बात करते हैं मिया खलीफा के बारे में तो मिया खलीफा को ना अभी थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा है क्यों रिसेंटली वो एक पॉडकास्ट में बोलती है ना कि आर्मी में होना इज वर्स देन बीइंग ऑन ओनली फैंस आर्मी में ज्वाइन करके तुम अपने बॉडी को गवर्नमेंट को सेल कर रहे हो तो इसके लिए उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है ना एक कॉमेंट आप देख सकते हो बट सी सेल्स हर बॉडी फॉर ट्वेंटी एक जन लिखा था नो वे सी थिंग्स आर जॉब इज मोर ऑनरेबल देन सर्विंग इन द मिलिटरी जन लिखी थी सी जस्ट ट्राइंग रियल हार्ड टू स्टे रेलिवेंट नाउ फ्रॉम गिविंग रिलेशनशिप एडवाइस टू दिस एक और रिप्लाई आप देख सकते हो इफ यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हर आई नो वाट यू तो इस तरीके कामेंट्स थे ना बाकी क्या सोचते आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना तो चलिए चलो अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे पंजाब भटिंडा के एक गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जहाँ पे भाई सिर्फ एक ही स्टूडेंट है एंड yes, सिर्फ एक ही टीचर यस ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है ना बता दू है जिनका नाम है सरबजीत कौर वो जो स्कूल टीचर है गाँव वालों के घर जाती है रिक्वेस्ट करती है की बच्चों को हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भेजो काफी अच्छे फैसिलिटीज वगैरह है बट फिर भी गाँव वाले नहीं भेजते ना वो गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग प्राइवेट स्कूल ही प्रेफर करते हैं पहले कुछ बच्चे आते थे ठीक है स्कूल में बट अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो की क्लास फाइव में पढ़ता वो बचा है तो अभी भटिंदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूल को बंद एंड शिफ्ट किया जा सकता है yes, किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाएगा ना क्योंकि गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है वो वो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अब क्योंकि प्राइमरी स्कूल है तो वो क्लास फाइव का जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ अभी एक महीना तक ही पढ़ पाएगा उस स्कूल में इसके बाद वो स्कूल को बंद कर दिया जाए तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात सुबह आगरा के एक कपल के बारे में जिन्होंने अपना वेडिंग एनिवर्सरी पता है सेलिब्रेट किया आगरा के एक ड्रेन के सामने ना यस पे पुजारी भी मौजूद थे ना उन्होंने एक दूसरे को माला वहीं पहना है बेसिकली ऐसा करके वो प्रोटेस्ट

दो तो टूरिस्ट थे वो दो दिन से मिसिंग थे तो रेस्क्यू टीम्स उनको ढूंढ रही थी ना तो जो जर्मन शिफर था ना वो काफी ज्यादा भागने लगा जैसे रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे दो बॉडीज थे बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर रहा था ना वो बॉडीज को वाइल्ड एनिमल्स से क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स खा भी सकते थे उन बॉडीज को बेसिकली वो जो जर्मन शिफर था ना वो अभिनंदन गुप्ता का था जिनका डेथ हुआ एक और जन जिनका हुआ वो फीमेल है प्रणीता वाला जैसे रेस्क्यू टीम्स ने बॉडी को उठाया लाने के लिए जो जर्मन शिफर था वो भी पीछे पीछे आया बीर तक इसके बाद अभिनंदन गुप्ता के फैमिली ने जर्मन शिफर को लेके गए ना तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात ट्विटर यूजर के बारे में जिनको काफी ज्यादा हेट मिला वो ना क्या करती है जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने जो उनको मैसेज किया था उसका स्क्रीनशॉट डाल देती है बेसिकली वो टिप मांग रहा था ना आफ्टर डिलीवरी yes, उसने लिखा था प्लीज गिव टिप आफ्टर डिलीवरी प्लीज फॉर लेट नाइट प्लीज तो वहाँ पे वो जो ट्विटर यूजर है जिनका नाम शायद से प्रिया है वो लिखती है अजीब है भाई इसके बाद आप देख सकते हो कॉमेंट ना जरूरत होगी बेचारे को और क्या ही कर सकता है एक जन लिखा था दस रुपए दे देती इतना हल्ला क्यों मचा रही है यू डोंट नो वट मस्ट बी गोइंग थ्रू एक जन लिखा था खाना बनाना सीख लेती तो ये स्क्रीन डालना नहीं पड़ता आज एक जन लिखा था इफ जॉब इट्स ऑन यू लर्न सम बेसिक एटिकेट्स क्या सोचते हैं आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना चलिए तो अगली ये अपडेट के बारे में बात अयोध्या को साफ रखने के लिए जिसका नाम है राम भूमी भूमी। एक सेंटर बनाया गया प्लास्टिक डिपोजिट रिफंड सेंटर अगर आप अपना खाली बोतल पानी का हो गया फिर कुछ भी उसको उस सेंटर में दे देते हो फिर आपको पांच मिलेगा एज रिफंड प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है ना जिसको अभी काफी सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अगली अपडेट के बारे में बात करके के मैसी फैंस के बारे में जो कि भाई काफी ज्यादा गुस्सा

कार्डबोर्ड कटआउट को लाद भी मार दिया बाद में इंटर आर्मी के मैनेजर ने सबको सबकोजाइज भी किया सॉरी बोला उन्होंने वो रिविल किया ना कि लियोनेल मेसी फिट नहीं थे खेलने के लिए तो चलिए वो अगली अपडेट के बारे में बात कर इंसान के बारे में तो आपको बताओ रिसेंटली मुनावर फारूक बिग बॉस जीत गए जैसे ही उन्होंने जीता वो जब डोंगरी गए काफी भीड़ हो गया था ना वहाँ पे काफी सारे लोग आ गए थे तो उसके ऊपर फुकरा इंसान रिएक्ट करे ना वो क्या कहे आप खुद देखिए शो मी द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया वॉर्ड अ वेलकम बट यार वॉर्ड अ वेलकम मुझे ऐसा लगता है डोंगरी के सभी लोग आ गए नाइस यार बट इट्स जस्ट जस्टीवी शो अच्छा उसी वीडियो में और फारूकी को थोड़ा सा ट्रोल भी किया ना आप देखिए बोला ये टॉक्सिक टॉप सिक और मार नहीं रहे

आयशा खान ये एक पार्टी के बात का ये वीडियो है जहा पे मुना और फारूक समय रायना से मिलते हैं वो पे ना इग्नोर करते हैं आयिस खान क्यों इग्नोर करते हैं आपको पता ही होगा आयशा खान ने बहुत कुछ बोला है मुना और हो तो खत्म होने के बाद वो दोनों के बीच में ठीक नहीं है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात चुके थगेश के बारे में तो थगेश के आपको पता होगा बहुत सारे चैनल है इंस्टाग्राम पे भी वो कॉन्टेंट हैं तो इससे क्या होता भाई बंदा बिजी हो जाता है वो ना एक ट्वीट किया था ठीक है एक जमाने में सीरीज के सात आठ एपिसोड खत्म कर देता था आज एक मूवी एक हफ्ते से देख रहा हूँ रोज दस दस मिनट अच्छी बात है यार बिजी होना इससे रेवेन्यू भी बढ़ता है यार तो सर ये अगली अपडेट के बारे में बात कुछ कलेष के बारे में जो की हो गया भाई पाकिस्तान में जो स्ट्रीट इंटरव्यू नहीं होता उसके दौरान कलेष किन के बीच में होता है बाबर आजम फैन वर्सेज शाहिन अफरीदी फैन काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर ये कले आप देखिए अब पाकिस्तानी है फिर भी इसकी इतनी बातें सुन रहे हैं मेरे किंग के बारे में भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ मैं कौन सा कैनेडा से आया हूँ ठीक है भाई अपने किंग की तारीफ करें आपको पता नहीं किंग है।, है भाई बात सुन है भाई मेरा, मेरा बाप है भाई, ओ भाई मेरा किंग बाबर नहीं मेरा भी किंग बाप है तो लेकिन यार बैट्समैन की तारीफ करनी चाहिए वो तारीफ करे है? हम तो तारीफ कर रहे हैं वो पाकिस्तान में चार दिन जिंदा रहना है या नहीं रहना नहीं मैंने नहीं रहना छोड़ रहा तो सही अगली अपडेट के बारे में बात करके मोहम्मद शमी के बारे में तो इसलिए जब मोहम्मद शमी को पूछा गया ना कि कौन है बेस्ट बैटर इन इंडिया तो मोहम्मद शमी रिप्लाई करते हैं विराट कोहली फिर उनसे पूछा जाता है बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड तो वो कहते हैं मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया विराट कोहली और वो रोहित शर्मा के बारे में भी बोलते हैं वो बोलते हैं कि रोहित शर्मा बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है एंड वो है भी भाई पचास साठ रन अगर वो मार देते हैं इसके बाद तो सीधा वो दो सौ मारते हैं तो सर अब अपडेट के बारे में बात एम एस धोनी के बारे में एम एस धोनी अभी प्रैक्टिस करे ठीक है आईपीएल टू के लिए उनका एक अभी पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है उनके बैट का जो पकड़े हुए नेट्स में आप देख सकते हो उनके बैट में आप देख सकते स्टीकर लगा हुआ है प्राइम स्पोर्ट्स का तो प्राइम स्पोर्ट्स पता है क्या एम है? धोनी के जो चाइल्डहुड फ्रेंड है परमजीत सिंह उनके स्पोर्ट्स शॉप का नाम है भाई बता तो शुरू शुरू में परमजीत सिंह ने काफी ज्यादा हेल्प किया था ना एम एस धोनी का रिसेंटली परमजीत सिंह से आपको पता होगा फ्लाइंग बीस भी मिले थे तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए लक्षदीप के बारे में तो इंडिया ने प्लान किया भाई थर्टी सिक्स हंड्रेड करोड़ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड फॉर द लक्षदीप आईलैंड उसको टूरिस्ट हब बनाने के लिए ना आपको पता होगा रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी मॉल दीव वर्सोदी इसके बाद अब ये प्लान बनाया गया है ना काफी जगहों में पोर्ट फैसिलिटीज को स्टाब्लिश किया जाएगा ऑल्सो बीच फ्रंट का भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया जाएगा और जो रोड वगैरह है उसको भी सुधारा जाएगा ना बढ़िया है भाई तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात मनोज तो मनोज डे डे के बारे में तो के चैनल पर भाई लास्ट ट्वेंटी मिलियन व्यूज तो आप लोग सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल हुआ उनका एवरेज व्यूज तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टू लैक्स आता है उस हिसाब से तो भाई आठ दस मिलियन होना चाहिए तो बता दू पहले की वीडियो में भी व्यूज आ रहे होते हैं पर सिर्फ वही रीजन नहीं है कि मनोज डे के इतने ज्यादा व्यूज आ गए ना फिफ्टी मिलियन रीजन है वो आजकल शॉर्ट्स डालते हैं अपने चैनल पर आप देख सकते हो शॉर्ट्स तो भाई लाखों व्यूज है इसलिए उनका फिफ्टी मिलियन व्यूज आए उनका भी आप तो काफी तेजी से ग्रो हुआ, है प्लस हुआ। Which is huge भाई। तो अगर आप भी अपना चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो शॉर्ट्स भी अपलोड किया वीडियो दिखाया था जहाँ पे बताया था कि कोई भी यूट्यूबर्स को राम मंदिर के इनोग्रेशन तो के दिन नहीं बुलाया गया था मैंने बताया था कि कौन कौन से यूट्यूबर्स क्लेम किए थे उनको बुलाया गया था जैसे यूके राइडर अमित भड़ाना तो काफी सारे लोग मुझे बोलने लगे ना में बुलाया गया था तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ अमित भडाना को एक्चुअली बुलाया गया था यस yes, कुछ स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो और अमित भड़ाना अपना टू का फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले बहुत जल्द वो लिखे टू की पहली वीडियो एनी गैस एक जोकर का इमोजी दिया ना वो पता नहीं भाई उनका नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आने वाला तो चलो अगली अपडेट के बारे में बात इंदौर के बंदे के बारे में जिसका नाम है तुण धकेता ठीक है उसने क्या किया आप सुन के हैरान हो जाओगे वो ना बत्तीस साल का ठीक है वो जो एक लेडी थर्टी फोर ईयर की जो कि वीडियो थी उनके साथ बात करती थी इसके बाद क्या होता है ना वो अचानक से तरुण धकेता से बात करना बंद कर देती है Yes, तरुण उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो धमकाती भी थी ना तुण को फोन में तो इसके बाद तरण वो लेडी के घर को ही जला देता है घर के अंदर घुस के ना यस वो जो लेडी थी ना बर्थडे पार्टी में गई थी उनके दोस्त का उसी टाइम पे वो उनके घर घुसता है एंड घर ही जला देता है इसके बाद वो उनके फ्लैट पर घुसता है और फ्लैट ही जला देता है इसके बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह आए अंदर फिर वो आग को बुझाया गया पुलिस भी पहुंचे अभी तुमुण थके था अरेस्ट कर लिया गया तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कुछ ऋषभ पंत के बारे में ऋषभ पंत के फैंस के लिए गुड न्यूज है भाई रिगी पॉइंटिंग जो कि डेल्ही कैपिटल्स के कोच है वो बताए ना कि ऋषभ पंत काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो जो आईपीएल खेलेंगे बट उनको थोड़ा सा डाउट कि वो कैप्टनसी का जिम्मेदारी ले सकेंगे कि नहीं एंड विकेट कीपिंग कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं ना कार जो इंजरीज आई थी उससे तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर विकास अग्रवाल ठीक है ये न्यूज मध्य प्रदेश से है तो ना विकास अग्रवाल के जो भाई है वो लिवर डिजीज से जूझ रहे ठीक है जिसके लिए ट्रांसप्लांट का जरूरत है एंड विकास अग्रवाल अपना लिवर का थोड़ा सा पार्ट देने के लिए रेडी है उनको बट उनकी वाइफ उनको मना करती है देने से तो वो चले जाते भाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने विकास अग्रवाल को अलाउ कर दिया टू डोनेट ए पार्ट ऑफ इस ने क्या दिया ना कि विकास अग्रवाल का ये खुद का चॉइस एंड आजकल ऑर्गन डोनेशन सक्सेसफुली किया जा रहा है पूरे दुनिया में क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है बता दो कोई हेल्दी पर्सन अपने लीवर का थोड़ा सा पार्ट किसी को डोनेट कर सकता है जो डोनर होता है ना उसका लीवर ऑटोमेटिकली बाद में शेप में आ जाता है जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है वह well, अभी कोर्ट ने अलाउ कर दिया ना विकास अग्रवाल को उनका लीवर के एक पार्ट को उनके भाई को डोनेट करने के लिए तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे वो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दे नेक्स्ट वीडियो में